नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेड। बलात्कार की नहीं हुई गिरफ्तारी तो भीम आर्मी ने संभाला मोर्चा। जनपद उन्नाव के पूर्वा इलाके में कायम है जंगल राज। कानून व्यवस्था को तार तार करने के लिए यहां अनेक समाज विरोधी शक्तियों ने सर उठाया है। कहने को तो सामंतवादी हुकूमत का अंत वर्षों पूर्व हो गया था, लेकिन पूर्वा थाना क्षेत्र का कुछ इलाका ऐसा भी है जहाँ पर सामंतवादी लोग दलितों पर अत्याचार करने से बाज नहीं आते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही जीता जागता उदाहरण सामने आया है पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के मजकोरिया गांव का, जहां एक माह पूर्व एक दलित बिरादरी की किशोरी के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया था और अपराधी खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जबकि न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद सुसंगत धाराओं में पूर्वा कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। लेकिन ना जाने किसके रसूख के आगे पूर्वा कोतवाली पुलिस ने घुटने टेक दिए और अपराधी बलात्कारी यूं ही सरेआम घूम रहा है और पीड़िता को घर जाकर धमका रहा है कि मुकदमा वापस ले ले, अन्यथा तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं सूत्रों की माने तो गांव से भाग जाने की भी नसीहत देकर आ रहे हैं। ऐसे में जब दलित पीड़िता दर दर की ठोकरे खाकर परेशान हो गई तो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष उन्नाव ने मोर्चा संभाला और महामहिम राज्यपाल तथा उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया कि अगर एक सप्ताह के अंदर अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती तो भीम आर्मी थाने का घेराव करेगी और धरना प्रदर्शन करेगी। धरना तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक अपराधी सलाखों के पीछे नहीं जाता तथा भीम आर्मी के लोगों ने पीड़िता को 10 लाख के मुआवजे दिए जाने की बात शिकायती पत्र में दोहराई। अगर पीड़िता के शिकायती प्रार्थना पत्र और पूर्व में हुए जबरन सुलह का आधार माना जाए तो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं क्षेत्र के तथाकथित एवं एक पत्रकार का भी हाथ बताया जा रहा है, जो अपराधी को बचाने में अपना सर्वस्व दांव पर लगाए हुए है। देखने वाली बात तो यह है कि बलात्कारी जेल जाता है या योगी सरकार की पुलिस का सिस्टम दम तोड़ता है। समाचार टीजेड के लिए उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट। राम नरेश पुरी, क्या है मामला? 27 नवंबर को एक मजदूरिया गांव की दलित लड़की अपने खेतों में थी। वहां गांव के ही लाला अवस्थी पुत्र बच्चा अवस्थी उस लड़की के साथ जबरन बलात्कार किया। फिर उसके बाद 28 तारीख को थाना कोतवाली पुरुआ में पीड़िता की मां आकर के दरखास्त दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाल साहब ने किसी के बुलाया तो वहाँ लाला अवस्थी भी आए, बच्चा अवस्थी भी आए, सुधीर अवस्थी एक पत्रकार है हमारा उजाला के, वो भी आए। तो इन लोगों ने क्या बात हुई, पुलिस से कैसे हुआ, इससे अंगूठा लगवा लिया और कहा कि जाओ तुम्हारे। नहीं, ये पत्रकार वाली बात है, पत्रकार ने क्या किया? पत्रकार ने कहा कि आपकी कार्यवाही हो जाएगी, आप इसमें अंगूठा लगा दीजिए। और ये अनपढ़ थी, अशिक्षित थी, किसी ने दरख्वास्त लिखी और इससे अंगूठा लगवा लिया और उसकी चली आई। उसमें लिखा सुलह समझौता था, लेकिन ये सुलह समझौता नहीं किया था, लेकिन इसको बताया था कि तुम जाओ तुम्हारी जब कार्यवाही होगी। ये चली आई, 3-4 दिन बाद जब पुलिस नहीं गई तो आई, तो इससे लोगों ने कहा नहीं तो तुम्हारा सुलह समझौता हो गया। तब ये रोने लगी, तब ये दौड़ने लगी, लखनऊ गई, उन्नाव गई। तब 5 तारीख को पुलिस अधीक्षक उन्नाव ने आदेश किया, तब 6 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई। तब उसे बताया गया सुधीर अवस्थी और शिव नारायण साहू ने इनसे समझौता करा दिया था। तब इसने कहा मेरा समझौता हमको नहीं मालूम, हमसे तो कहा था कार्यवाही करेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नाव, क्या है मामला, किस लिए आए थे यहाँ पर? हमको खबर लगी कि जो है एक मछकरिया गांव है, यहाँ पर एक दलित बच्ची का, छोटी सी बच्ची का दिन दहाड़े एक दरिंदे लाला अवस्थी ने उसका बलात्कार कर दिया। और बलात्कार करने के बाद जब वहाँ पर उनके परिजनों ने FIR के लिए यहाँ पर आया, तो FIR जब लिखवाया तो उसके बाद यहाँ के कुछ पत्रकारों ने, कुछ दलालों ने उनसे जो है उनकी माताजी से अंगूठा लिखवा लिया। वैसे पत्रकारों का क्या नाम है? सुधीर अवस्थी जी। सुधीर अवस्थी नामक पत्रकार जिसने, जिसको जो है समाज के अंदर जो हो रहे भ्रष्टाचार है उनको उजागर करना चाहिए, और खुद एक पत्रकार भ्रष्टाचार कर रहा है, सुलह समझौता करवा रहा है और ये बता रहा है कि सुलह। पत्रकारों को तो मैं कहता हूँ ये सामाजिक बलात्कारी पत्रकार हैं, ऐसे पत्रकारों को सिर्फ और सिर्फ बलात्कारी पत्रकार की संज्ञा देनी चाहिए कि तुमको समाज के प्रति आवाज़ उठाने का हक है और तुम ये दलाल मीडिया जो कि ऐसी खबरों को या ऐसे मामलों को पैसा ले दे करके खुद खाया और पुलिस वालों को खिलाया और सुलह समझौता करवा दिया। जब ये औरत उसके परिजन फिर से गए वहाँ पर पुलिस वालों के यहाँ, तो वो बोले कह रहे आपका तो सुलह समझौता हो गया।
तो इन्होंने कहा कि मैंने सुलह समझौता कभी किया नहीं। इस बात पर वो रोने लगी, बिलखने लगी। फिर वो यहाँ से लखनऊ उन्नाव सत्तन दौड़ी धूपी। उसके बाद तब जा करके कहीं 6 दिसंबर को उनका FIR दोबारा लिखा गया। लिखा जाने के बाद आज वो गुनहगार बलात्कारी साबित हो गया है और मेडिकल रिपोर्ट में भी साबित हो गया। उसके तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये बलात्कारी जब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ऐसे बलात्कारी को फांसी होना चाहिए और जिस बच्ची का बलात्कार हुआ है उसके परिजनों को और उस बच्ची को कम से कम 10 लाख रुपया दिया जाना चाहिए। अगर उसको 10 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर नहीं दिया गया तो भीम आर्मी देशव्यापी आंदोलन करेगी कि उसको हक और इंसाफ और न्याय मिलना चाहिए और ऐसे दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ एक सजा मिलनी चाहिए, वो फांसी। और उसकी मांग मैं भीम आर्मी के माध्यम से कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक उस दरिंदे को फांसी नहीं दी जाती और उस बच्ची को 10 लाख रुपया सरकार मुआवजा मुहैया करवाने का काम करे, तब हम शांत बैठेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।